नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं आपका दोस्त दिनेश निम्बावत। बड़ा इंतज़ार था आप सबको रीट के विस्तृत सिलेबस का। सिलेबस जो है आ चुका है आपके स्क्रीन पर। बात करते हैं ये सेकंड लेवल के संदर्भ में जो है सिलेबस की, कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है इसमें, उसको लेकर बात करते हैं। चलिए, ये तो आपको पता ही होगा कि जो चीज़ें हैं वो क्या रहेगी। परीक्षा जो है 300 अंकों की होगी। परीक्षा के लिए एक प्रश्न पत्र होगा, 2.5 घंटे का जो समय होगा, और कुल जो है 150 प्रश्न होंगे, यानी कि प्रत्येक जो प्रश्न होगा 2 का होगा। बहुविकल्प ऑब्जेक्टिव होंगे वो तो पता ही है, और इस बार जो है नकारात्मक अंकन होगा। याद रखिएगा कितना, 1/3 नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी, 1/3। ठीक है, अब बात करते हैं ये सिलेबस देखते हैं अध्यापक लेवल 2 का, यानी कि SST वालों के लिए। ठीक है, SST वालों के लिए कक्षा 6 से 8 यानी सेकंड लेवल के लिए बात करते हैं। सबसे पहले अंक बार, राजस्थान का भौगोलिक ऐतिहासिक सांस्कृतिक ज्ञान राजस्थानी भाषा जो दे रखा था, ये पार्ट आपका आएगा कितने का, 80 अंकों का। यानी 80 अंकों का मतलब क्या हो गया, 40 क्वेश्चन आने हैं इसमें से, 40 क्वेश्चन इसमें से आएंगे। अब 40 क्वेश्चन में जो है कौन कौन से टॉपिक हैं विस्तृत में देखें। सबसे पहले बात करते हैं ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में सबसे पहले रहेगा राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, अगला है फिर मानसून तंत्र एवं जलवायु, फिर अफवा तंत्र, झीलें, नदियां, बांध, एनीकट, जल संरक्षण विधियां एवं तकनीक वगैरह, और उसके बाद राजस्थान की वन संपदा, वन्य जीव जंतु, वन्य जीव संरक्षण एवं अभयारण्य, मृदा एवं मृदा संरक्षण हो जाएगा। उसके बाद बात करें तो राजस्थान की प्रमुख फसलें हो जाएगी, फिर जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या साक्षरता, लिंग अनुपात, जनसंख्या का ये टॉपिक हो जाएगा, फिर राजस्थान की जनजातियाँ और जनजातीय क्षेत्र हो जाएगा, धात्विक अधात्विक खनिज हो जाएंगे, राजस्थान के ऊर्जा संसाधन परंपरागत एवं गैर परंपरागत दोनों, राजस्थान के पर्यटन स्थल, राजस्थान में यातायात के साधन। ठीक है, ये बात होगी। अब है आर्ट एंड कल्चर की एंड हिस्ट्री की बात करें, संस्कृति और इतिहास की बात करें, इतिहास और संस्कृति में देखें राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, कालीबंगा, अहाड़, गणेश्वर, बालाथल और बैराट इत्यादि, राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था इत्यादि, राजस्थान की स्थापत्य कला जिसमें किले, स्मारक, बावड़ियां एवं हवेलियां, राजस्थान के मेले, त्यौहार, लोक कला, लोक संगीत, लोकनाट्य एवं लोकनृत्य, राजस्थान की सांस्कृतिक परंपराएं, विरासत, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, प्रमुख संत एवं लोक देवता, राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, राजस्थान के वस्त्र एवं आभूषण, राजस्थान की चित्रकलाएं एवं हस्तशिल्प, 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान, राजस्थान में जनजातियों किसान आंदोलन, प्रजा मंडल एवं राजस्थान का एकीकरण, ये रहा। उसके बाद राजस्थानी भाषा की बात करें तो राजस्थानी भाषा में राजस्थान की क्षेत्र की बोलियाँ आएगी, प्रमुख राजस्थानी कृतियाँ इनकी जो रचनाएँ हैं वो, प्रमुख राजस्थानी साहित्यकार जो हुए हैं, राजस्थानी संत एवं साहित्य एवं लोक साहित्य, ये हो जाएगा। ये बात थी। अब अगला पार्ट देखें, पार्ट नंबर 2 जो यानी कि 50 अंक का आएगा, यानी कि 50 क्वेश्चन आएंगे जिनमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य ये जो नया जुड़ा है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार RTE दो जो 2009 है वो, और फिर सामयिक यानी करंट के सब्जेक्ट भी है इसमें। फिर बात करते हैं राजस्थान का सामान्य ज्ञान, राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, राजस्थान में राज्य सरकार की फ्लैगशिप जो कार्यक्रम चलते हैं वो, राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र, राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थल, राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी, राजस्थान के प्रसिद्ध नगर एवं स्थल इत्यादि, राजस्थान के प्रमुख उद्योग, राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्थान में जन कल्याणकारी योजनाएं। ठीक है, फिर बात करते हैं शैक्षिक परिदृश्य की, जो नया टॉपिक है ये आप सबके लिए, शिक्षण अधिगम के नवाचार नए क्या हैं, जैसे कि स्माइल प्रोजेक्ट वगैरह, दीक्षा शिक्षा वाणी वगैरह जो कार्यक्रम है वो इस टाइप के ना, राज्य में केंद्र एवं राजस्थान सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं एवं पुरस्कार, विद्यालय प्रबंधन एवं समितियां, यह हालांकि ये टॉपिक फर्स्ट ग्रेड का है, स्कूल मैनेजमेंट का, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो नई है इसका राजस्थान के संदर्भ में या परिप्रेक्ष्य में बात होगी। फिर बात करते हैं अगला है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, इसको भी इन्होंने जो डिटेल में किया है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2009 प्रावधान एवं क्रियान्वित किस तरीके से, ये बात होगी। राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011, राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश की किस तरह की प्रक्रिया जो अभी हाल ही में अभी चर्चा में रहा,
अब जो करंट के सब्जेक्ट को देखा जाए, करंट के सब्जेक्ट की, तो राजस्थान की समसामयिक घटनाएं, राज्य की अभिनव विकास योजनाएं क्रियान्विति, अन्य समसामयिक विषय। तो अब संबंधित विद्यालय का विषय ज्ञान देखें। विद्यालय का विषय ज्ञान यानी कि आपके विद्यालय का विषय ज्ञान का क्या मतलब हुआ? विद्यालय का विषय ज्ञान का मतलब क्या हुआ? विषय ज्ञान का मतलब आपका जो सब्जेक्ट है, अगर आप हिंदी से देंगे तो हिंदी में क्या क्या होगा देखें। वर्णमाला ज्ञान होगा, शब्द विचार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया अवयव होगा, विकारी शब्द वगैरह इसमें देख लीजिएगा, लिंग, वचन, काल, कारक, वाच्य, विकारी शब्दों का रूपांतरण होगा। ये 120 अंक का हो, ध्यान रखना टोटल ये जो है आपके सब्जेक्ट जो है, यानी कि 60 क्वेश्चन आएंगे इसके। शब्द प्रकार की बात करें, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द वगैरह, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय के प्रकार हैं, उदाहरण, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि के प्रकार हैं, उदाहरण, वाक्य विचार, वाक्य के अंग प्रकार, रूपांतरण इत्यादि, विराम चिन्ह प्रकार एवं प्रयोग, मुहावरे एवं लोकत्यांश, शब्द शक्ति, अपठित गद्यांश, भाव, व्याकरण से संबंधित प्रश्न, अपठित पद्यांश के भाव, व्याकरण से संबंधित प्रश्न, परिभाषिक शब्दावली। ठीक है, ये अगला आप इंग्लिश का देख लीजिएगा। ठीक है, फिर संस्कृत का है आपके स्क्रीन पर, इसकी जो PDF आप चाहते हैं PDF भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, ये सिंधी की हो जाएगी, फिर अलग अलग लैंग्वेज की, पंजाबी की हो जाएगी, फिर उर्दू की हो जाएगी। ये गणित का मैटर है, गणित में भी देख लीजिएगा। गणित की बात कर लेते हैं, गणित में जो है आपके गणित में परिमेय अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, दशमलव प्रकार प्रसार, वास्तविक संख्याओं के घातांक नियम, वर्ग एवं वर्गमूल, घन घनमूल वगैरह। ठीक है, बहुपद, बहुपद के शून्य, क्षेत्रफल, परिमेय, बहुपदों का गुणनखंड, बीजीय, सर्व समीकाएं, बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, विभाजन, एल्गोरिथम, द्विघात समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, परसेंटेज, ब्याज, लाभ, हानि वगैरह, सरल ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, अनुपात, समान अनुपात, वृद्धि एवं ह्रास दर, रेखाएं एवं कोण, समतलीय आकृतियां, त्रिभुजों की समरूपता, त्रिभुजों की सर्वांग समता, चतुर्भुज, वर्ध और बहुभुज, समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल, परिमाप, त्रिभुज, आयत, वर्ग समांतर, चतुर्भुज, समलंब, चतुर्भुज, वर्ध, ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, एक ठोस का आकार से दूसरे आकार में परिवर्तन, सांख्यिकी में जो स्टेटिक्स में बारंबारता बटन, मिलान चिन्ह, दंड आरेख, आयत चित्र, वर्तिग्राफ, पाई चित्र, केंद्रीय परिवर्ती के माप, माध्यक, माध्य, माध्यिका, बहुलक और प्रायिकता। ठीक है, उसके बाद बात करें विज्ञान की, विज्ञान में क्या क्या रहेगा, विज्ञान में देख लीजिएगा आप, विज्ञान में परमाणु, अणु, मूल संकल्पना, रासायनिक सूत्र, परमाणु की संरचना, तत्व, यौगिक सम्मिश्रण, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं समीकरण, उपचयन एवं अपचयन, अम्ल, सार एवं लवण, pH स्केल, कार्बन तथा उसके यौगिक, कोशिका संरचना, प्रकारीय, उत्तक, पादप उत्तक, जंतु उत्तक, सरल एवं जटिल उत्तक, जैव प्रक्रम, पोषण, शोषण, परिवहन, उत्सर्जन, नियंत्रण एवं समन्वय, जीवों में जनन में हार्मोन्स की भूमिका, सूक्ष्म जीवों के से फैलने वाले रोग, संक्रामक रोग वगैरह, जो रेव जीव रासायनिक चक्रण, भोजन के प्रमुख अवयव, इनकी कमी से होने वाले रोग, संतुलित भोजन, बल एवं गति के नियम, विद्युत धारा, परिपथ, ओम का नियम, प्रतिरोधों का संयोजन, विद्युत धारा के तापिस, रासायनिक एवं चुंबकीय प्रभाव, गुरुत्वाकर्षण, केपलर का नियम, उत्प्लावकता, आर्किमिडीज का सिद्धांत, ताप एवं ऊष्मा, तापमापी, ऊष्मा संचरण, प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण, प्रकाश का अपवर्तन, गोलीय लेंस, मानव नेत्र दृष्टि दोष वगैरह, ध्वनि का तो टॉपिक है, सौरमंडल है। ठीक है, फिर सामाजिक अध्ययन की बात करें, SST वालों आपके लिए, SST में बात करें क्या क्या है, SST की बात कर लेते हैं। सामाजिक अध्ययन, प्राचीन भारत की सभ्यता एवं संस्कृति जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध एवं जैन धर्म एवं महाजनपद काल, मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्थाएं, सम्राट अशोक का दम एवं अभिलेख, दिल्ली सल्तनत एवं मुगल साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत का विस्तार, मुगल साम्राज्य एवं राजपूत राज्यों के साथ संबंध, सल्तनत एवं मुगलकालीन प्रशासनिक व्यवस्थाएं, पृथ्वीराज चौहान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि कांग्रेस की स्थापना से लेकर 1947 तक हो जाएगा। पृथ्वी की गतियों की बात करें, पृथ्वी में जो है गति, अक्षांश एवं देशांतर, वायुमंडल में संगठन, संरचना, पवने, वायुमंडलीय संचरण, महासागर में ज्वार भाटा, धाराएं वगैरह, जल थल वितरण हो गया, संसार की प्रमुख वनस्पतियां, वन्य जीव, राजस्थान की जो है कृषि आधारित उद्योग, विश्व के प्रकार, वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या आएगा, कृषि के प्रकार एवं प्रमुख जो इंडस्ट्रियल रीजन है वो, भारतीय संविधान यानी कि पॉलिटी की बात करें तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया
विशेषताएं, उद्देशिका, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा, मूल कर्तव्य हो जाएंगे। सरकार एवं गठन, सरकार के गठन और कार्य, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका आ जाएगी। स्थानीय प्रशासन में बात करें, ग्रामीण एवं नगरीय, जो 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन था, वो भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया, उसमें महिला प्रतिनिधित्व, भारत की संघीय व्यवस्था, केंद्र राज्य संबंध की बात हो जाएगी। भारतीय अर्थव्यवस्था एंड इकोनॉमिक की बात करेंगे, इकोनॉमिक में क्या क्या आएगा, तो बात करें अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, औपनिवेशिक काल में भारतीय अर्थव्यवस्था, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, विश्व व्यापार संगठन, निर्धनता व खाद्य सुरक्षा, मुद्रा व बैंकिंग, मुद्रा के आधुनिक रूप, सा की विभिन्न स्थितियाँ, स्वयं सहायता समूह, उपभोक्ता का अधिकार, में उपभोक्ता उसका अधिकार आ जाएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की बात करें तो राष्ट्रीय विकास, राष्ट्रीय आय, मानव विकास। राजस्थान में कृषि विपणन की बात करें, कृषि उपज मंडी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अब बात करें शैक्षणिक रीति ज्ञान, यानी कि जो आप एक तरीके से कह सकते हैं जो टीचिंग मेथड है, वो हिंदी में देखें तो हिंदी भाषा की शिक्षण विधियाँ, भाषाई कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, भाषाई कौशलों का विकास, ये भी जो यानी कि 20 अंक आएंगे, यानी कि 10-10 क्वेश्चन आएंगे ना, 10 क्वेश्चन। हिंदी भाषा शिक्षण के उपागम, हिंदी जो है शिक्षण में चुनौतियाँ, हिंदी शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री उनका उपयोग, हिंदी शिक्षण के मूल्यांकन विधियाँ, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण, ये अपने अपने हिसाब से फिर जो सब्जेक्ट के हिसाब से देख लीजिए कौन सी लैंग्वेज है आपकी, इसकी PDF आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ये जो है आपके, ठीक है, अब जो है सब्जेक्ट में जो आपके कौन कौन से शिक्षण विधि आएगी, सब्जेक्ट की शिक्षण विधियाँ देख लें। गणित की शिक्षण विधियाँ की बात करें तो गणित शिक्षण के उपागम, शिक्षण गणित शिक्षण में चुनौतियाँ, गणित शिक्षण सहायक सामग्री उपयोग, गणित शिक्षण की मूल्यांकन विधियाँ, निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण। वहीं आपके साइंस की बात करें तो विज्ञान की शिक्षण विधियाँ, उपागम, सहायक सामग्री एवं उपयोग हो जाएगा, सेम चीज़ें हैं, मूल्यांकन एवं शिक्षण इसमें भी सेम के सेम चीज़ें रहेगी, एज इट इज़, सब्जेक्ट बदल जाएगा। फिर शैक्षिक यानी कि साइकोलॉजी की बात करें, शैक्षिक मनोविज्ञान की, शैक्षणिक मनोविज्ञान की साइकोलॉजी क्या क्या आएगी, साइकोलॉजी के 10 क्वेश्चन आएंगे, साइकोलॉजी के 10 क्वेश्चन यानी कि 20 अंक है। शैक्षणिक मनोविज्ञान अर्थ क्षेत्र एवं कार्य सबसे पहला टॉपिक है। बाल विकास, इसमें अर्थ, बाल विकास के सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बाल विकास में वंशानुकरण, वातावरण का प्रभाव, व्यक्तित्व संकल्पना प्रकार, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, व्यक्तित्व मापन, फिर बुद्धि संकल्पना, विभिन्न सिद्धांत एवं मापन, अधिगम का अर्थ, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम के विभिन्न सिद्धांत, अधिगम की विभिन्न प्रक्रियाएँ, विविध अधिगमकर्ता के प्रकार, पिछड़े, विमंडित, प्रतिभाशाली, सृजनशील, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी, अधिगम में आने वाली कठिनाई, अभिप्रेरणा, अधिगम में इसका प्रभाव और समायोजन की संकल्पना, तरीके, समायोजन में अध्यापक की भूमिका। और लास्ट टॉपिक आपका रहेगा वो रहेगा ICT यानी कि सूचना तकनीकी, ICT जिसे कहा जाता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जिसे कहा जाता है, वो सूचना प्रौद्योगिकी के आधार, इसके जो है क्वेश्चन देखिएगा 5 क्वेश्चन आने हैं। इसे टॉपिक छोटा सा है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मस्ट टॉपिक है, ठीक है। इसमें करंट के कंप्यूटर से रिलेटेड रहेगा, ये सूचना प्रौद्योगिकी के आधार, सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण यानी कि टूल्स वगैरह, सूचना प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग, सूचना प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव। तो ये हैं आपके टोटल सिलेबस, रीट का विस्तृत सिलेबस। आप अगर आप किसकी PDF चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, आपको PDF भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।